ठीक है बेटा, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाया था, ठीक है? उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास किसी बॉडी को यहां से कितनी वेलोसिटी से फेंके कि आपके पास वो कंप्लीट सर्कुलर लूप बनाए, तो उसके लिए मैंने बताया था 5gl, ठीक है? फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी हो, कम से कम यहां से लूप बनाने के लिए कम से कम क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीआर होनी चाहिए, ठीक है? मैंने आप लोगों को दो ये केस समझा दिया था कल कि क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ कितनी यहाँ कितनी। एक तो दो केस बता रही थी मैं, एक स्ट्रिंग का केस समझाया था और एक रोड वाला, याद है ना सभी को? कल दिखाया था, या दिखाऊं अभी भी रोड एक बार? अभी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। कल दो केस की बात करी थी, ठीक है, कि ये रोड है, इसको कितना मोशन दे कि ये ऐसे मूव कर जाए, पूरा सर्कुलर लूप बनाए ऐसे, ठीक है, पूरा सर्कुलर लूप बनाए, ठीक है, ये रोड का केस था। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको मेन पॉइंट, कि इसमें हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो सकती, हो जाएगी, हो सकती नहीं, हो जाएगी हमेशा ही, ठीक है? लेकिन स्ट्रिंग वाले केस में क्या होता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होती। जैसे हम पर्टिकुलर वेलोसिटी से भेजेंगे तो एकदम से वो ऊपर क्रॉस कर जाएगी। अगर आपके पास वहां वेलोसिटी जीरो होगी तो मतलब वहां लूप नहीं बन रही, वो उससे पहले फॉल ऑफ हो जाएगा, इस तरीके से। ये बात हमने कल कर ली थी, ठीक है? फिर मैंने लास्ट में कुछ मैटर ऐड करा था, उसमें मैंने बताया था रोड वाला केस, रोड का न्यूमेरिकल मैंने ऐड करके भेजा था कि रोड के केस में कि बॉल को यहां से कितनी वेलोसिटी से फेंके कि वो हाईएस्ट सी पॉइंट पे पहुंच जाए, यहां से कितनी वेलोसिटी से फेंके कि वो यहाँ पे क्या पहुंच जाए, सी पॉइंट पे, वो वेलोसिटी मैंने 4gl निकाली थी। तो स्ट्रिंग के केस में लूप बनाने के लिए मिनिमम वेलोसिटी 5gl या इससे ज्यादा होनी चाहिए, और रोड के केस में कितनी होनी चाहिए, 4gl होनी चाहिए कम से कम, ठीक है? रोड में थोड़ी कम, जो स्ट्रिंग थोड़ी सी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए उसमें थोड़ा सा ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए उसमें वेलोसिटी ज्यादा चाहिए, इसमें थोड़ी सी कम वेलोसिटी पे भी काम चल जाता है आपको, ठीक है? ये बात मैंने कल यहां तक कर ली, मैंने एक्स्ट्रा ऐड करके भेजा था ये पॉइंट आपको, ठीक है? अभी हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर न्यूमेरिकल्स। अब मैं कहती हूँ क्वेश्चन देखो, फर्स्ट देखिए आपके पास अगर वो एक कॉन्सेप्ट हो, ध्यान रखना कि जो आपके पास रोड है वो सर्कल को कब लीव करेगी आपके पास, जब वेलोसिटी v और 5gl के बीच में होगी, जब वेलोसिटी v और 5gl के बीच में होगी, ठीक है, तभी वो सर्कल को लीव करेगी उस सिचुएशन में। वो सर्कल, ये मैंने कंक्लूजन में भी सेंड करा था, इस सिचुएशन ये सभी को पता है। किसी ने वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आज वाला कल वाला वीडियो लेक्चर जरूर देख लेना एक बार लास्ट में, ठीक है? अब इसमें बेस न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है आपका, कि मान लिया एक बॉल है, मैंने 5gl ही लेती हूँ क्योंकि बुक्स में उसको डेरिवेशन बना रखा है आपको, ठीक है? लेकिन मैं ये लेती हूँ, मान लिया एक बॉल है जिसका मास m है, उसको यहां से रूट 5gl वेलोसिटी से फेंका गया, ठीक है? फाइंड द टेंशन एट ईच पॉइंट, एट द ईच पॉइंट का मतलब एट द पॉइंट बी और एट द पॉइंट सी। आपको टेंशन निकालनी है एट ए बी सी, ये मैं सिर्फ फाइंड द टेंशन एट पॉइंट ए बी एंड सी, फाइंड द टेंशन एट द पॉइंट ए बी एंड सी। देखो कैसे निकालोगे, ये ध्यान से समझो, मैं कल समझा चुकी, कल हो सकता है किसी बच्चों को कम भी आया हो तो आज अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू ले ली, कल मैंने जनरल एक्सप्रेशन की बात करी थी, यहाँ से कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है 5gl से, वो बी सी पे पहुंचे, मैं सी से बात कर रहे थे। तो क्या कंसेप्ट लगाओगे कि इनिशियल वेलोसिटी जब भी निकालनी है, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी बराबर होगी किसके, फाइनल एनर्जी के। तो एनर्जी एट ए बराबर होगी एनर्जी एट सी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या लगेगा, यू ए प्लस के ए यू एफ यू सी प्लस के सी, ठीक है? इस पॉइंट से इस पॉइंट की बात कर रही हो अभी, तो यहां से क्या आया, काइनेटिक एनर्जी एट ए 1/2 mva का स्क्वायर, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अरे ओरिजिन है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। कल बताया था
ये मेरा हाथ है यहाँ रखी हुई है ये, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करती है। ऊपर चली गई तो पोटेंशियल एनर्जी की इससे कुछ वैल्यू है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट सी, तो ये आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस, तो टोटल हाइट एच कितनी हो गई है, टू आर हो गई, कितनी हो गई, टू आर। तो एम जी एच और एच बराबर है टू आर की, टू आर प्लस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट सी 1/2 mvc का स्केयर, मतलब ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, वी स्केयर करेंगे, वी ए है आपके पास, वी ए कितना है √5gl, तो वी स्केयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 5gl बराबर 2mgr प्लस 1/2 mvc का स्केयर, m से m मर गया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करो, अब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बना 5gl, देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तो 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 4gl, ले लो या r ले लो, l दे रखा ना तो l, ये रेडियस l ले लो, ये एक ही बात होती है, रेडियस l ले लो, l की फॉर्म में दे रखा ना तो ये l ले लो, ये तो ये 2l हो जाएगी, यहाँ ये 2l हो जाएगी, वो मैं अलग अलग, वो वही बात है क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ से ही तो मूव करेगी ना ओरिजिन से, तो ये लेंथ एल ही है आपके पास, ये ठीक है, ये सब एल है, तो ये बना आपके पास 4gl प्लस 1/2 vc, ना सॉरी vc का स्केयर, 2 से तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया ना आपने, ठीक है, तो ये बना 5gl माइनस 4gl vc का स्केयर, vc का स्केयर क्या बन जाएगा, gl, तो vc क्या बन जाएगा, √gl, ठीक है। तो आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, रूट जी एल, कल जी आर लिया था रेडियस तो जी आर आ गई थी, तो समझ आया हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई, जी एल, कल भी निकलवाई थी आज भी निकलवाई, कि आपके पास कल मैंने वी इज इक्वल टू जी आर कोस थीटा वाले कंसेप्ट से निकलवाई थी, वी इज इक्वल टू जी आर कोस थीटा के कंसेप्ट से निकलवाई थी आपको वहां से, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को जर्नल निकलवा दिए, न्यूमेरिकल्स में जर्नल ही ऐसे ही सोल्व करेंगे, वो मैं एक जर्नल कंसेप्ट समझाने के लिए उस तरीके से निकला थी, जर्नल वेलोसिटी क्या होगी, रूट जी आर किसी एंगल पे जब वो बात करें, ठीक है। अब न्यूमेरिकल करवाऊंगी तो टॉपिक पूरा दोबारा रिपीट हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल एज इट इज होते टॉपिक की तरह ही, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, वेलोसिटी एट सी क्या बन जाएगी, रूट जी एल, तो टेंशन एट सी देखते हैं, देखो सी पॉइंट पे टेंशन बनाते हैं, यहाँ देखो एक बार आपका टेंशन एट सी की अगर बात करें तो देखो ये आपके पास क्या है, इधर इधर क्या होगी, टेंशन, ठीक है, और वेट के कारण फोर्स भी क्या लगेगा, एमजी, ऑब्जर्वर यहीं बैठा है तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑब्जर्वर को यही मान के करवा रही हूँ, अंदर से करोगे तब भी कर सकते हो, बाहर से ऑब्जर्वर मानोगे तब भी हो जाएगा, मान न्यूटन से लो लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या बना, देखो ये है आपके पास ऊपर एम वी स्केयर बाई आर, और नीचे क्या लग रहा है, टेंशन और एम जी, नीचे क्या लग रहा है, टेंशन और एम जी, तो क्या बना आपके पास, टी प्लस एम जी, वेलोसिटी कितनी, वी सी, क्योंकि सी पॉइंट वेलोसिटी क्या लिख दोगे, वी सी, एम जी बराबर एम वी सी का स्केयर डिवाइड बाई आर, आर की जगह क्या है, डिस्टेंस एल ले रखी है आपके पास, रेडियस आर की जगह क्या आपकी एल है, तो एल लिख दो, तो ये आपका एल, तो टी प्लस एम जी एम बाई एल, वी सी की वैल्यू रख दो क्या आ जाएगी, जी एल, एल से एल मर गया, तो टी प्लस एम जी बराबर एम जी, तो टी बराबर क्या आ गया, जीरो, तो एम जी इधर जाएगा तो एम जी माइनस एम जी जीरो, देखो ये बात समझ आई। अगर मैं कल बता रही थी कंक्लूजन में सेंड करी थी ये बात, मैंने आपको बताई थी कि आपके पास अगर √5gl से भेजोगे तो सी पॉइंट पे जब पहुंचेगी, और लूप बनाने के लिए पार्टिकल को कम से कम वेलोसिटी कितनी चाहिए, √5gl, कम से कम कितनी चाहिए आपकी, √5gl, तो √5gl से जाएगा तो सी पॉइंट पे टेंशन जीरो, और 6gl से जाएगा तो टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इस पॉइंट पे क्या समझाया था, टेंशन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर लूपिंग द लूप, मतलब सर्कल बनाने के लिए, लूपिंग द लूप या सर्कल बनाने के लिए आपको इतनी वेलोसिटी चाहिए। तो आपने देखो, आपने टेंशन वेलोसिटी निकाल दी सी पॉइंट पे, आपने टेंशन भी निकाल दी सी पॉइंट पे, ये सी पॉइंट की टेंशन की बात कर रहे थे तो सी लिख दो, तो टेंशन कितनी आई आपकी, जीरो, समझ आया।
नोट करिए, इसको कोई डाउट है तो बोलिए बेटा एक बार, ठीक है? हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने? अब देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी का ही नेक्स्ट पॉइंट। अब हम निकालेंगे आपके पास टेंशन एट ए। देखो एट ए पे वेलोसिटी तो पता ही है, वेलोसिटी निकालने की क्या जरूरत है, ठीक है? तो एट ए पे टेंशन निकालेंगे, तो ए पॉइंट पे एबीडी बनाओ, ए पॉइंट पे एबीडी बनाएंगे आप लोग। तो देखिए ए पॉइंट ये है, तो यहां पे क्या लगेगा? टेंशन। ए पॉइंट पे यहां पे क्या लग जाएगा आपके पास? टेंशन, ठीक है? वेट के कारण फोर्स क्या, सॉरी टेंशन उल्टा बोल रही हूँ बेटा मैं, वेट के कारण टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। वेट के कारण फोर्स mg, जब ऑब्जर्वर यहीं बैठा होता तो बाहर की डायरेक्शन क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mva का स्क्वायर बाय l। तो क्या बनी abd? ये बनी t टेंशन नीचे mg और mva का स्क्वायर बाय l, तो ये बन जाएगा t इज इक्वल्स टू mg प्लस mva का स्क्वायर बाय l। तो टेंशन t mg प्लस m, VA का स्केयर कितना हो जाएगा? 5GL by L, L से L मर गया, तो T टेंशन क्या आ गई? MG plus 5MG, कितना आ गया? 6MG, 6MG, कितना आ गया यहाँ पे आपका? ये 6MG, समझ आया? देखो इसमें वेलोसिटी निकालने की जरूरत दे रखी थी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है उसकी भी मुझे पता थी कि रूट 5GL से इतना होता है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में 20GL दे दे, 6GL दे दे। देखो अगला क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे करवाया, करवा के तरीका बताया करना कैसे है आपको, ठीक है? आगे देखिए, अब निकालते हैं बी पॉइंट पे टेंशन एट बी, ठीक है? ये आपकी टेंशन आई एट ए, ये टेंशन कहां पे? एट ए पॉइंट पे, ठीक है बेटा? अब देखो, अब ये बनेगा आपके पास, अब यहाँ पे बी पे आ जाओ, देखो ये बी पॉइंट पे, ये ना बी, ये रहा बी, ठीक है? तो ये इनिशियल ए और फाइनल बी, क्या लिखोगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, यू आई के आई यू एफ के एफ। तो यू आई क्या है? यू ए, मैं लिख रही हूँ समझने के लिए किसी बच्चों को। इनिशियल पॉइंट क्या है? यू ए। फाइनल पॉइंट क्या है? के ए, सॉरी बी, यू बी और के बी, ठीक है? तो ए पॉइंट पे एनर्जी क्या बन जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी 1/2 एमवीए का स्क्वायर, ठीक है? बी पॉइंट पे क्या बन जाएगी बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच की वैल्यू, ये हाइट कितनी? देखो यहां से, अरे हाइट ये बात करेंगे, तो जितनी ये है उतनी ये है, तो क्या होगी? एल। अरे जितनी ये है आपके पास उतनी क्या है? ये वाली है, क्या बन जाएगी? एम जी एल, एम जी एल 1/2 एम वी बी का स्क्वायर, लिख दो 1/2 एम बी ए, बी ए पे वेलोसिटी कितनी है? 5GL, 5GL बराबर एम जी एल प्लस 1/2 एम वी बी का स्क्वायर, एम से एम मर गया, तो क्या बचा? मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, 5GL ये इधर जाएगा, तो 2GL प्लस वी बी का स्क्वायर, ठीक है? तो ये बन जाएगा आपके पास 5GL माइनस 2GL, तो 5GL माइनस 2GL बराबर VB का स्क्वायर, तो VB का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? 3GL, तो VB की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3GL का अंडर रूट, कितनी वैल्यू बन जाएगी? 3GL। अगर फिर से देख लो, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, 1/2 MVA कितना दे रखा है आपको? 5GL, ठीक है? ये हाइट कितनी है आपकी? L है, हाइट कितनी है? L है, प्लस 1/2 MVB का स्क्वायर, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ है, यहाँ पे भी है, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी अरे LCM ले लोगे जब भी वही बात है आपके पास, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 5GL और ये 2GL प्लस VB का स्क्वायर, तो 5GL माइनस 2GL, तो VB कितना आ गया? रूट 3GL। VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 3GL। अब क्या निकालेंगे? टेंशन, इसको नोट करो फिर टेंशन निकालते हैं, नोट करिए जल्दी से। नोट कर लीजिए जल्दी, फिर टेंशन निकालते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे आप।
है। अब देखो आपके पास, अब आपने टेंशन एट ए कितनी आई, 6 mg, ठीक है। अब आपको इस पॉइंट पे टेंशन निकालनी है। यहाँ पे देखो मैं रेड पेन से कर लूं, तो यहाँ देखो या ऑब्जर्वर यही बैठा है तो बाहर के डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम वी ए एम वी बी का स्क्वायर बाई एल, ठीक है। अंदर क्या लगेगा, टेंशन, और वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, एम जी। तो देखो ऐसे बना हुआ है ये बी पॉइंट था, तो ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट से टेंशन इधर, एम वी स्क्वायर बाई एल इधर, और नीचे वेट के कारण फोर्स एम जी। तो टी बराबर आ गया एम बी है तो बी लिख दो, एम वी बी का स्क्वायर बाई एल, ठीक है। तो ये कितना आया टेंशन आपका, एम वी बी की वैल्यू कितनी है, जी एल, 3 gL बाई एल, एल से एल मर गया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 mg। टी की वैल्यू कितनी आ गई, टी सी, ये टी सी आ गई, टी बी आ गई आपकी, किस पे आ गई है, ये टी बी पे, ठीक है। ये नोट करिए एक बार, फिर मैं यहाँ लिख दूँ, चलिए एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं एक बार एक साथ लिख देती हूँ। तो आपने देखो ए पे भी टेंशन निकाल दी, बी पे भी और सी पे भी, तीनों पे क्या निकाल दी, टेंशन फाइंड आउट कर दी, ठीक है। नोट करिए, हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए, 1 2 3 जल्दी नोट करो, क्लियर। अब देखो, अब मैं लिख देखिए क्या बना देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, आपके पास देखो मैं बड़ा सा सर्कल बनाती हूँ, ठीक है। ये एल थी, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, 5 gL, ठीक है। आपकी बुक में ऐसे लिखा मिल जाएगा, तो उसको याद नहीं करना आपको, बस मैं समझाने के लिए लिख देती हूँ, किसी को ये ना लगे मैडम ने बताया नहीं। टेंशन कितनी आई, 6 mg, ये कब आई है, जब वेलोसिटी 5 gL है, वेलोसिटी कितनी है, 5 gL है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आई बी पॉइंट पे, √3 gL, टेंशन भी कितनी आई, 3 mg, अभी निकाली ये निकाल रखी 3 mg, इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आई थी, gL, और टेंशन क्या हो गई थी आपकी, 0, टेंशन क्या हो गई थी, 0, ठीक है। तो आपने ये सब निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी नोट करिए इसको, हो गया, 1 2 3 नोट हो गया बेटा सभी का, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, मैंने कहा कि आपसे, आप लोग करके बताइए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, यहां से आपने ये एल डिस्टेंस है, ठीक है, एल ले लो आर ले लो, यहां से आपने बॉल को किसी 6 gL वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है। फाइंड द टेंशन एट द पॉइंट सी, फाइंड द टेंशन एट द पॉइंट सी, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देते हो, लिखो तो ए बॉल ऑफ मास एम, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी लिखे मिलेगी, ए बॉल ऑफ मास एम थ्रोन एट पॉइंट ए, थ्रोन फ्रॉम एट पॉइंट ए विद वेलोसिटी 6 gL, √6 gL, फाइंड द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट कह दो या आप एट सी कह दो, और एट ए सी, हाईएस्ट पॉइंट कह दो या और एट द सी पॉइंट कह दो, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे लिख देगा आपको, समझ आ जाए क्वेश्चन देखते ही, ठीक है। तो बताओ आप लोग ट्राई करो इसको, करो सारे इस क्वेश्चन को, बताओ कैसे करो, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो मैं करती हूँ इस क्वेश्चन को, सबने ट्राई कर लिया, ठीक है। आपको सी पॉइंट पे निकालने, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इनिशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट सी, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट सी, ठीक है। तो 1/2 mVA का स्क्वायर प्लस
काइनेटिक एनर्जी की सॉरी काइनेटिक एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी ए पे जीरो, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी एल, और एल कितनी हो जाएगी 12 एम जी 12 प्लस 1/2 एम वी सी का स्केयर, ठीक है। एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा थ्रू आउट, वी ए कितना दे रखा 6 जी एल, तो ये बनेगा 6 जी एल बाई 2 बराबर जी एल इंटू 2, और ये बना वी सी का स्केयर बाई 2, दो से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 जी एल 4 जी एल प्लस वी सी का स्केयर, तो वी सी का स्केयर कितना आया 6 माइनस 4, अरे ये 6 माइनस 4 करूँगी तो कितना आया 2 जी एल बराबर वी सी का स्केयर, ठीक है। तो बन जाएगा आपके पास ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा वी सी का स्केयर बराबर 2 जी एल, तो वी सी कितना आ जाएगा 2 जी एल का अंडर रूट। अब की बार देखो यहां से अलग वेलोसिटी से फेंका, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या मिली आपको √2 जी एल। अब टेंशन के लिए एबीडी बना दो, टेंशन के लिए देखो क्या करोगे, यहाँ पे वेट के टेंशन 0, टेंशन इधर, वेट के काम फोर्स mg, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड, अपवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका मतलब आप ऑब्जर्वर वहीं बैठे हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकता है आपको, लेकिन आपको अपना कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो देखो ये बना ना, यहाँ देखो इधर नीचे टेंशन mg और ऊपर की डायरेक्शन में एम वी स्केयर बाई एल, वी सी आई सी पॉइंट पे था तो वी सी लिख देते, क्या बना टी प्लस एम जी बराबर एम वी सी का स्केयर बाई एल, टी प्लस एम जी, ठीक है। एम जी को उधर ले जाऊं, माइनस का एम जी प्लस, अरे उधर जाएगा तो माइनस का एम जी प्लस एम वी सी की वैल्यू 2 जी एल बाई एल, एल से एल मर गया, ठीक है। तो देखो t बराबर क्या है, माइनस का mg प्लस का 2mg, तो t की वैल्यू कितनी आई mg, समझ आया। अब आपसे वो कुछ भी दे आप निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से किसी बच्चे को, सभी को समझ आया। मैंने उस एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन कर दिए रिपीट आपको, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। बताओ समझ आया सभी को या नहीं आया? यस मैम। क्लियर, जल्दी नोट करिए। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर एक जनरल क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, ये आपके पास सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहां से आपके पास ये सेंटर, ठीक है, ये कोई जर्नल पॉइंट मान लिया आपने, एक्स पॉइंट, ठीक है, एक्स ले लो कुछ भी ले लो, ए ले लो कुछ भी ले लो, ठीक है। ये जर्नल पॉइंट में एक्स वाई लिख देते, एक्स पॉइंट, फाइंड द टेंशन एट द पॉइंट एक्स, ये एंगल मान लिया 45 डिग्री का, ये एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 45 डिग्री, तो पूछा है फाइंड द टेंशन एट द एक्स पॉइंट। अब की बार वो एंगल बना रहा है यहाँ से 45 डिग्री का, तो एक्स पॉइंट पे टेंशन निकालिए, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर दूं, तो इसी में लिख लो, एक और लिख लो इसी में ही, कि मान लिया ये एंगल 60 डिग्री है, तो फाइंड द ये वाई पॉइंट है, तो फाइंड द टेंशन एट द पॉइंट, फाइंड द टेंशन टी एक्स एंड टी वाई, ठीक है। मैंने टी एक्स लिख दिया, इस टेंशन को मैंने टी एक्स लिख दिया, इस टेंशन को मैंने टी वाई लिख दिया, ठीक है। तो बताइए कैसे सोल्व करेंगे, वही कंसेप्ट, तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई चेंज आपका नहीं होगा, ठीक है। तो देखो अब आपके पास, कल मैंने बेसिक में बताई थी ये बातें, देखो वो पार्टिकल यहाँ से कितनी h हाइट पे है, तो आपके पास ये पूरी डिस्टेंस कितनी है आपकी l है, ठीक है, ये भी l है, ये l है, तो l का इधर एक कंपोनेंट क्या आएगा, l cos थीटा, क्या आ जाएगा, l cos थीटा आएगा ना। अरे देखो ऐसे बनी हुई, एक बार देखो ये
ऐसे, ये एल है, ये ऐसे, तो ये एच है आपकी, तो ये एल, एल का ये इधर वाला कंपोनेंट, एल कोस थीटा। मैम इसमें एक स्पीड क्या है? ठीक है, तो देखो ये बना एल कोस थीटा और ये डिस्टेंस कितनी आपकी एल है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बना आपके पास? एच, एल माइनस एल कोस थीटा। ये एच कितना बना? एल माइनस एल कोस थीटा। ये एक्स पॉइंट है, ये आपका वो है, तो ये निकालेंगे एनर्जी एट ए। सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे एक्स पे। टेंशन निकालने के लिए मुझे एक्स पॉइंट पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है? तो एनर्जी एट ए बराबर होगी एनर्जी एट एक्स, तो 1/2 m वी ए का स्केयर प्लस, लिखो क्या, तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? ठीक है, तो बन जाएगा आपके पास ये, यहाँ से यू ए कितना आपका? जीरो, ए पॉइंट पे वैल्यू जीरो, 1/2 m वी ए का स्केयर। यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बनेगी यू एक्स पे? एम जी एच, एच देखो कितना है आपका, एल माइनस एल कोस थीटा। एच की वैल्यू कितनी है? एल माइनस एल कोस थीटा, ठीक है? और आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी इधर से 1/2 m वी एक्स का स्केयर। वी ए दे रखी है, वी ए आपको दे रखी है, ये बन जाएगी 0 प्लस 1/2 m टेन जी एल, ठीक है, बराबर m जी एल माइनस एम जी एल कोस थीटा प्लस 1/2 m वी एक्स का स्केयर। m से m मर गया, थ्रोट कैंसिल हो गया, तो ये बना 5 gl, 5 gl बराबर जी एल माइनस जी एल कोस थीटा प्लस 1/2 यहाँ पे भी है ना बेटा, ये तो ठीक है, कोई नहीं, या तो इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको 2 को नीचे रहने दो, ये 10 ही रहने दो, 10/2 ही लिख लो इसको, ठीक है, 1/2 वी एक्स का स्केयर, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो ये बना 10 gl बराबर, ये बन जाएगा आपका 2 gl माइनस 2 gl कोस थीटा प्लस वी एक्स का स्केयर, ठीक है? तो ये बना 10 में से इधर जाएगा ये 8 gl, 10 माइनस 2 क्या बनेगा? 8 gl, और ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, देखो ये 10 ए माइनस आएगा इधर, ये माइनस, 10 में से 2 गए 8 और ये माइनस, इधर जाएगा प्लस 2 gl कोस थीटा बराबर वी एक्स का स्केयर। तो वी एक्स का स्केयर बराबर कितना हो गया? जी एल, जी एल दोनों में है, 2 भी बाहर ले लो, तो 2 gl बाहर ले लो, ठीक है? तो क्या बचा आपके पास? 4 प्लस कोस थीटा। अब थीटा कितना है? 45 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है? 45 डिग्री। तो क्या बन जाएगा? 2 gl 4 प्लस कोस थीटा की वैल्यू, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती? 1/√2, तो ये बन जाएगा 1/√2। ये वी एक्स की वैल्यू आ गई, इस सारे की भी पावर 1/2, तो वी एक्स को ऐसे लिख सकते हो आप लोग, 2 gl 4 प्लस 1/√2 की पावर दिस, तो ये वी एक्स आ गई। थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 30 थीटा 15 हो सकता है, आपके पास थीटा की वैल्यू यहाँ पे आप कुछ हो सकती है, आपके पास कुछ भी रूट में लग रहा है तो आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो। मैंने तो ऐसे ही अपनी मर्जी से ले लिया, ठीक है? आप कहो तो मैं 37 डिग्री ले लेती हूँ, ये मान ले आपका 37 डिग्री है, ठीक है? 37 डिग्री पर रूट नहीं आएगा। कोस 37 की वैल्यू कितनी होती है? देखो इधर से, कोस 37 क्या होता है? 3, 4 और 5, ये होता ना, तो कोस 37 कितना हो जाएगा आपके पास? 4/5। तो अगर 37 लिखोगे तो कोस 37 कितना हो जाएगा? 4/5, 4/5 आ जाएगा, थोड़ा पूरा सोल्व हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है? वो आपकी मर्जी, कुछ भी एंगल हो सकता है, किसी बच्चे को लगे ये रूट की फॉर्म में आ गया, वो ऑप्शन में पता लग जाएगा आपको, ठीक है? तो ये बना 2 gl, मैंने cos 37 ले लिया ताकि किसी को रूट 2 से घबराहट ना हो, क्या दे दिया, ठीक है? तो ये बनेगा 20 + 4/5, तो ये बना 24, देखो ये 24/5 इंटू 2 gl, इसको और सोल्व करेंगे तो ये vx कितना आ जाएगा? 48/5 gl, तो vx की वैल्यू कितनी आ गई? 40, इस सारे का अंडर रूट था तो इसका भी अंडर रूट, तो 48/5
जी एल का अंडर रूट। समझ आया? तो आपके पास ये वैल्यू किसकी आ गई, वी एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है, वी एक्स की वैल्यू। अब क्या निकाले, टेंशन एट एक्स, इतना नोट करिए, फिर टेंशन निकालते हैं। ठीक है, इधर से सबको समझ आ गया, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा एक बार। टेंशन देखो आपको क्या निकाले, टेंशन दिस पॉइंट पे, तो देखो इस पॉइंट पे एबीडी बनाते हैं, टेंशन ऊपर लगेगी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और ये क्या लगेगा, वेट के कारण फोर्स एमजी। तो इधर एक क्या लगेगा, ऑब्जर्वर यही बैठा है, इधर क्या लगेगा, ये एम वी स्केयर बाई आर, और एम जी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये एम जी इधर, तो एम जी का इधर वाला कंपोनेंट एम जी कोस थीटा। देखो मैं इधर से बनाती हूँ, ये है ना आपके पास ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आपका सर्कल बन रहा है यहाँ से, तो ये वेट के कारण फोर्स क्या लगा, एम जी, ये एंगल थीटा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा, वो थीटा वाले बाद में रख लेंगे, ये 37 है तो ये भी 37 ही होगा। तो ये बना, एक तो इधर ऑब्जर्वर यही बैठा हुआ है तो क्या लगेगा, एम वी स्केयर बाई आर, एक क्या लगेगा इस डायरेक्शन में, ये एम जी कोस थीटा, और इसके इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा, बाकी उसकी हमें जरूरत नहीं है अभी। ऊपर क्या लगा, टेंशन, तो क्या बन जाएगा एफ डी डी, टी बराबर एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्केयर बाई एल। रेडियस एल ले रखी है तो एल लिख लो, रेडियस कितनी ले रखी है, एल, तो क्या लिख लोगे, एल। ये इधर से नोट कर लिया सभी ने, इधर से सभी बच्चों नोट कर लिया बेटा। आगे देखिए, तो आपके पास यहां से ये हो जाएगा, आपके पास तो ये बना टी बराबर एम जी प्लस एम जी कोस 37, कोस 37 प्लस एम, ये बी एक्स आएगा यहाँ पे, एक्स पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो बी एक्स का स्क्वायर, एम बाई एल, बी एक्स की वैल्यू कितनी है, 48/5 इंटू जी एल, एल से एल मर गया तो टी कितना है, कोस 37 कितना था, 4/5 था ना, किसी को नहीं ध्यान है तो फिर देख लो, ये 37, 37 में क्या बताया हुआ, 3, 4 और 5, ये टेबल मैंने याद करवा रखी है बार बार। अगर 53 होता है तो क्या लिखते हैं, ये वैल्यू होती है आपके पास 4, और ये वैल्यू हो जाती है सिचुएशन में आपके पास, सॉरी इसमें ये गलत लिख रही हूँ मैं, हाँ ठीक है, ये आएगा 3, ये आएगा 4, 53 में ये हो जाता है आपके, ये 5 ही रहेगा, 53 में ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3, और ये वैल्यू हो जाएगी 4। ऐसे याद करने का तरीका, 37 छोटा होता है ना 53 से, तो छोटे के सामने छोटा आ जाएगा, ठीक है, और बड़े के सामने बड़ा आ जाएगा आपके पास, ठीक है, बस ये ध्यान रखना, 53 बड़ा है तो इसके सामने 4 आ जाएगा, 4 नंबर बड़ा है, बाकी 3, 4, 5 ही रहना रेशियो में, ठीक है, भूल भी जाओ तो यही वैल्यू आप पुट कर लेना, तो ये बन जाएगा एम जी कोस 37। वो पीछे भी देख लेना, कोई भाई मिस्टेक गलत रख दिया हो मैंने 3/5 या 4/5, देख लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंसेप्ट समझ आना चाहिए। कोस 37 की वैल्यू कितनी बनेगी, ये 37 के सामने छोटा नंबर आएगा तो 3, 4 और 5, तो कोस 37 4/5 प्लस 48/5 एम जी, 48/5 क्या बन गया आपका एम जी, ठीक है, तो ये बना आपके पास टी बराबर 1/5, तो दोनों में बार आ गया, 4 एम जी प्लस 48 एम जी, तो कितना बना ये 52/5 एम जी। तो एक्स पॉइंट पे इतनी टेंशन आ जाएगी, एक्स पॉइंट पे निकालना चाहो तो पॉइंट में निकालो, 5 1 जा 5, नहीं जानी 0, 10.4 एम जी, तो टेंशन एट एक्स कितनी आ जाएगी, 10.4 एम जी आ जाएगी। समझ आया बच्चे, बताओ कोई डाउट है तो जल्दी लिख लीजिए एक बार इसको, लिख लिया मैम। नेक्स्ट देखिए इसमें, अब इसके वाई पॉइंट की बात कर लो, अब वाई की बात करते हैं, देखो y में भी पहले क्या निकालोगे, वेलोसिटी एट द पॉइंट y, अब इसको देखो y के लिए बात करें तो y के लिए क्या होगा, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये टेंशन होगा इधर, ठीक है, ऑब्जर्वर यही बैठा हुआ है तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, तो आप पहले तो ये तो बाद में बात कर लेंगे, सबसे पहले तो बात करते हैं अभी सिर्फ
हम लोग इस पॉइंट पे एच हाइट की, ये हटा दो, ये वाला नीचे वाला समझ आ गया आपको, ये नीचे वाला जो ले लो, अगर मैं इसको हटा रही हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ से देखो एक बार, मैं इसको हटा रही हूँ, ये ले लिया ना सभी ने, ताकि मुझे आप क्यों जरूरत है वो बताऊंगी मैं आपको अभी। देखो अब आपके पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया, दूसरे पार्ट में देखो, पहले एनर्जी की बात करते हैं, पहले बात करते हैं एनर्जी की। तो एनर्जी के लिए देखो, इस पॉइंट से तुम्हें ये पूरी हाइट चाहिए ना, यहाँ से ए से तक की ये पूरी हाइट चाहिए ना, यहाँ तक की ये पूरी हाइट, बोलो चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि एम जी एच लिखो, वही लिखोगे एनर्जी एट ए बराबर इस पॉइंट नाम को दे दो वाई, एनर्जी एट वाई क्या लिखोगे, यू ए के ए प्लस बराबर यू वाई के वाई, तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी ए का स्क्वायर, ठीक है। और वाई पे देखो, वाई पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, एम जी एच प्लस 1/2 एम वी वाई का स्क्वायर। अब ये एच कितना है, इस एच को निकालेंगे, देखो इस ये तो पता है इतना तो कितना है, ये इतना तो ये एल ही है, वही रेडियस है, इतनी भी एल ही रहेगी। इसको देखो ये एल लेंथ है, अरे रेडियस तो एल ही है ना, तो एल का ये एंगल अगर बराबर है तो ये एंगल भी 60 होगा, तो इतनी देखो सिर्फ ये इतनी वाली वैल्यू, ये वाली, ये देखो ये सिर्फ, जहां मैं ब्लू पेन चला रही हूँ, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, एल कोस 60, एल कोस 60, और कोस 60 कितना होता है 1/2, कितना बन जाएगा एल बाई टू, कोस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, ठीक है, ये बन गया एल बाई टू। तो पूरी एच हाइट कितनी बन गई है, एल बाई टू प्लस एल, तो एच हाइट कितनी बन जाएगी 3L/2। बस इस क्वेश्चन में ये बात थोड़ी समझनी थी, ठीक है, बाकी तो सब सेम है। तो एच की जगह क्या लिख दोगे, ये 1/2 एम बी ए का स्क्वायर प्लस एम जी, एच की जगह 3L/2 प्लस 1/2 एम बी वाई का स्क्वायर, एम से एम मर गया बेटा, टू से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट, तो ये बन, देखो टू भी सब में है ना नीचे, तो टू भी क्या हो जाएगा कैंसिल, टू सब में है इस बार, इस तो बना वी ए का स्क्वायर, वी ए कितना आपका 10 GL, वी ए से कितने से फटा गया 10 GL से ना, तो ये लिख दोगे 10 GL बराबर 3 GL प्लस वी वाई का स्क्वायर, तो 10 में से 3 गया 7 GL वी वाई का स्क्वायर, तो वी वाई कितना आ गया 7 GL का अंडर रूट, ठीक है। अब टेंशन निकालो इस पे, अब देखो टेंशन की एबीडी बनाते हैं, ठीक है, इधर बनाओ मैं फिगर अलग से, सब खिचड़ी बन जाती नहीं वहां पे, एक बार देखो मैं बना देती हूँ, इधर ये ऐसे था ना, ठीक, ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है, तो टेंशन इधर लगेगी और ऑब्जर्वर यही बैठा है, तो बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब देखो ये एंगल थीटा, वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा आपका, एमजी, वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, एमजी, तो ये वेट के कारण फोर्स क्या लगा, एमजी, इधर नीचे की डायरेक्शन, ये क्या लगा आपका, एमजी, तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 60, देखो ऐसे जड़ टाइप में बन जाता है ना, जड़ में, तो जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल होता है आपके पास, ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना रहता है थीटा, तो एमजी के दो कंपोनेंट बने, एमजी का एक कंपोनेंट इधर आएगा एमजी कोस थीटा, और इधर की डायरेक्शन में आ जाएगा एमजी साइन थीटा, एमजी साइन थीटा की जरूरत नहीं है, एमजी साइन थीटा सिर्फ ऊपर जाने वाले वेलोसिटी का अपोज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी अभी जरूरत नहीं क्वेश्चन में, तो यहां से ये बन जाएगा आपके पास। अब देखो आप, आपके पास क्या बना हुआ, ये लाइन है इधर यहां से, तो एक टेंशन टी और एक लग रहा है एमजी कोस थीटा, ठीक है, और एक क्या लग रहा है एम वी स्क्वायर बाय एल, एल लेंथ है तो एल ही लिख लो, और ये थीटा कितना 60, तो कोस 60 लिख लो, थीटा कितना 60 तो कितना लिख लो, कोस 60, तो ये बना टी प्लस एम जी कोस 60 एम वी, वी वाई था ना, एम वी वाई का स्केयर, वाई पॉइंट था तो वाई का स्केयर, एम वी वाई का स्केयर बाई एल, ठीक है, तो टी प्लस एम जी कोस 60 की वैल्यू 1/2 एम वी एम बाई एल, वी वाई की वैल्यू 7 GL, एल से एल मर गया, तो टी की वैल्यू आपके पास ये उधर जाएगा, तो ये बना 7 mg माइनस mg बाई टू, इनको सोल्व कर लो बस, तो ये बन जाएगा 14 minus mg, तो 13 mg बाई टू, तो वैल्यू टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 mg बाई टू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी
13 mg by 2, बोलो समझ आया? तो ये टेंशन किस पे आ गई? वाई पॉइंट। दिस इज द टेंशन एट द पॉइंट वाई। ठीक है, नोट हो गया ये क्वेश्चन? ठीक है बेटा, नोट समझ आ गया क्वेश्चन सभी को? जल्दी पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। अब नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, थोड़ा सा ट्रिक चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एट व्हाट एंगल पार्टिकल लीव द सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब नोट हो गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल मूव, क्वेश्चन कह रहा है ये आपके पास सर्कल है। ठीक है, पार्टिकल यहां से किसी वेलोसिटी 3gl से जा रहा है। ठीक है, पूछ रहा है एट व्हाट एंगल एंड हाइट पार्टिकल लीव द सर्कल। क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट एंगल एंड एट हाइट पार्टिकल लीव द सर्किल। ठीक है, तो आपके पास क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ये यहां से कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है? 3gl वेलोसिटी से क्या कर रहा है, वो उसको फेंक रहा है। ठीक है, तो देखिए आपके पास मैंने बताया था अगर पार्टिकल की वेलोसिटी √2gl से ज्यादा हो लेकिन 5gl से कम हो तो पार्टिकल सर्कल को लीव कर जाएगा। तो क्या करेगा, पार्टिकल लीव द सर्कल। ठीक है, अब मैं यहां पे कहीं मान लेती हूँ ये एंगल कोई थीटा है भाई, इधर तक तो लीव करता ही नहीं है वो। ठीक है, √2gl तक तो यहाँ तो वो पहुंचता ही है ना, समझाई थी कंडीशन कंक्लूजन में कल वाले वीडियो लेक्चर में। तो यहां तक जब माने इसे कहीं ऊपर माने किसी एंगल 5 थीटा पे, वो इस पॉइंट पे कहीं, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट एक्स मान लो, एक्स पॉइंट पे क्या करता है वो सर्किल को लीव कर देता है। लेट पार्टिकल लीव द सर्किल एट द पॉइंट एक्स। ठीक है, एक्स पॉइंट पे क्या कर रहा है वो लीव कर रहा है एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं वेलोसिटी निकालेंगे। सबसे पहले यहां पे क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप लोग यहाँ पे, कि आपको पास इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए आपको। सबसे पहले क्या है, आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी पता होनी चाहिए। देखो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे इस केस में, इसे सबसे पहले देखो, पहले यहाँ पे क्या करते हैं, जो पार्टिकल लीव करेगा, पार्टिकल क्या कर रहा है, लीव कर रहा है सर्कल को। जब व्हेन पार्टिकल लीव द सर्किल। ठीक है, तो पार्टिकल सर्किल को लीव करेगा तो क्या हो जाएगा, टेंशन जीरो। मतलब कि इस पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। अरे देखो जैसे ये है, जब वो ऐसे ऐसे जा रहा है ना मूव करके, देखो ऐसे वो ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, तो जब ऐसे यहां से पार्टिकल लीव करेगा तो ऐसे जाएगा ना, टेंशन क्या होगी, जीरो, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार टेंशन का कंसेप्ट बना के देख लेते हैं, कुछ निकलता है क्या हमारा। तो देखो इधर क्या लगेगा, टेंशन। ठीक है, वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, एमजी। ठीक है, वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, एमजी। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो इधर एक कंपोनेंट क्या बना, एमजी कोस थीटा, और ये बाहर की साइड में एमवी स्क्वायर बाय एल, ये लेंथ क्या ले ली मैंने, एल ले ली। ठीक है, रेडियस क्या आपकी, एल। तो क्या बना, टेंशन टी प्लस, देखो ऐसे बना ना यहां से, देखो ये इधर बना, तो ये बना टी इधर, एम जी कोस थीटा इधर, और बाहर के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एम वी स्क्वायर बाय एल। तो ये बना आपके पास टी प्लस एम जी कोस थीटा एम वी एक्स, इस पॉइंट वेलोसिटी क्या होगी, वी एक्स का स्क्वायर बाय एल। ठीक है, अगर इस पॉइंट पर जब पार्टिकल लीव करता है तो टेंशन क्या होगी, जीरो। तो क्या बना, एम जी कोस थीटा बराबर एम वी एक्स का स्केयर बाई एल, वी एक्स का स्केयर, एम से एम मर गया, क्या बना, जी एल कोस थीटा। देखो मुझे वी एक्स की वैल्यू मिल गई ना यहाँ से, देखो इस कंसेप्ट, क्योंकि पार्टिकल सर्किल को लीव कर रहा है, यहाँ से पार्टिकल सर्किल को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। अब बात करते हैं एनर्जी एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट नाउ, क्योंकि एंगल थीटा निकालना है, क्या क्या निकालना है, एंगल थीटा निकालना,
नाउ एनर्जी एट ए बराबर एनर्जी एट एक्स, तो ए पे यू ए प्लस के ए यू एक्स प्लस के एक्स, तो ये बना ये वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी वन बाई टू एम वी ए का स्केयर। और एक्स पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देखो, एक्स पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि आपको ये पूरी हाइट चाहिए, आपको ये पूरी हाइट चाहिए, तो इतनी हाइट तो कितनी होगी एल, इतनी हाइट तो क्या हो गई एल। अब आप देखो रेड पेन जहां जहां चल रहे हैं ये वैल्यू कितनी, ये एल है तो ये वाली कितनी बनी एल कोस थीटा। देखो यहां से एल ऐसे बनाऊ, ये आपके पास ऐसे है तो ये लेंथ एल है तो यहां से तुम्हें ये वाली लेंथ चाहिए, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो एल का इधर वाला कंपोनेंट क्या बना एल कोस थीटा। और ये हाइट कितनी है एल है तो ये भी कितनी है आपकी एल है, तो ये पूरी एच कितनी होगी एल प्लस एल कोस थीटा। ठीक है तो ये बना एम जी एच और एच की वैल्यू कितनी है एल प्लस एल कोस थीटा प्लस वन बाई टू एम वी एक्स का स्केयर, वन बाई टू एम वी ए का स्केयर बराबर एम जी एच की वैल्यू एल प्लस एल कोस थीटा प्लस वन बाई टू एम वी एक्स का स्केयर, एम से एम थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बना वी ए की वैल्यू कितनी है आपकी थ्री जी एल, वी ए की वैल्यू कितनी थी रूट थ्री जी एल। ठीक है तो वी ए की वैल्यू थ्री जी एल बाई टू, ठीक है टू से इधर मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, तो ये बना टू जी एल प्लस टू जी एल कोस थीटा। देखो ये करके दिखाऊंगे अलग से, देखो ये टू नीचे था तो ये बना जी एल प्लस जी एल कोस थीटा, ऐसे तो समझ आता है भाई वी एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाई टू। तो देखो ये बन जाएगा अब आपके पास यहां से टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये थ्री जी एल ये टू जी एल प्लस टू जी एल कोस थीटा प्लस वी एक्स की वैल्यू भी तो दे रखी जी एल कोस थीटा, वी एक्स की वैल्यू भी रख लो, वी एक्स की वैल्यू क्या है जी एल कोस थीटा, जी एल कोस थीटा डिवाइडेड बाई टू, ये बना जी एल कोस थीटा डिवाइडेड बाई टू, तो टू से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, टू से तो मल्टीप्लाई कर ही दिया थ्रू आउट। ठीक है तो ये बना ये जी एल इधर आएगा तो जी एल थ्री जी एल माइनस टू जी एल, तो ये बना टू जी एल कोस थीटा जी एल कोस थीटा, तो ये बना थ्री जी एल कोस थीटा, क्या बन गया थ्री जी एल कोस थीटा, जी एल से जी एल कैंसिल, तो इधर लिख रही हूँ देखो एक बार इधर से, तो ये बना आपके पास वन इज इक्वल्स टू थ्री कोस थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई थ्री कोस थीटा बराबर वन, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई थ्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स वन बाई थ्री, इतने एंगल पर वो सर्किल को क्या कर देगा लीव कर देगा, इतने एंगल पर वो सर्किल को क्या कर देगा लीव करेगा। ठीक है तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा कंसेप्ट यूज करना था कि स्ट्रिंग को लीव करेगा, लीव करेगा मतलब टेंशन जीरो, तो इस हमें टेंशन के कंसेप्ट है यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई, क्या मिल गई वेलोसिटी। ठीक है तो अब हमने क्या करा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाया यहाँ पे। ठीक है तो हमें क्या मिल गया यहाँ से कोस थीटा, उसने यही पूछा था कि थीटा की वैल्यू कितनी हो, तो थीटा कितना हो जाएगा कोस इनवर्स वन बाई थ्री, थीटा कितना हो जाएगा कोस इनवर्स वन बाई थ्री। ठीक है दैट इज योर आंसर, तो इस एंगल पे क्या करेगा वो लीव कर देगा, इतना नोट करिए। फिर उसने एक बात और भी पूछी है हाइट ऑफ द पार्टिकल, क्या पूछी है हाइट ऑफ द पार्टिकल कितनी हाइट पे वो लीव करेगा, कितनी हाइट पर वो लीव करेगा, नोट करिए एक बार जल्दी से, जल्दी नोट करिए, हो गया नोट पॉजिटिव नोट कर लीजिए। ठीक है अब मैं इधर लिख रही हूँ, देखो इधर ध्यान दो, अब आपके पास क्या था इस केस में ये कोस थीटा कितना आ गया वन बाई थ्री, यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैं यही लिख रही हूँ जब आप आफ्टर सोल्विंग कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई वन बाई थ्री आपकी। ठीक है अब आपको क्या करना है हाइट निकालनी, तो ये हाइट एच किसके बराबर थी एल प्लस एल कोस थीटा और कोस थीटा कितना आया वन बाई थ्री, तो एच हाइट भी कितनी आ जाएगी एल प्लस एल कोस थीटा की वैल्यू वन बाई थ्री, तो ये आ गया आपके पास थ्री एल प्लस एल बना फोर बाई थ्री एल, तो कितनी हाइट पे लीव करेगा फोर बाई थ्री एल पे, फोर बाई थ्री एल पे हाइट लीव कर जाएगा और थीटा की वैल्यू कोस थीटा इज इक्वल टू वन बाई थ्री पे क्या कर जाएगा लीव कर जाएगा, इतने एंगल पे और इतनी हाइट पे पार्टिकल जो है इसको लीव कर जाएगा। ठीक है
नोट करिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट हो गया, हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब क्वेश्चन तो ये ऐसा ही है, अगला जो क्वेश्चन दे रही हूँ नेक्स्ट आपको, ये क्वेश्चन तो ऐसा ही है पर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपका चेंज है। वो कहता है, क्वेश्चन है कि पहले वेलोसिटी कितने से फेंका गया था आपके पास, 2gl से। अब की बार वो कहता है कि मान लिया ये m मास है, यहां से रूट 60 डिग्री पे छोड़ा गया है इसको, और ये लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर। लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर। तो कह रहा है कैन पार्टिकल ए पार्ट है क्वेश्चन का, पार्टिकल इसका मास है, मैं याद रखना, पार्टिकल लीव द सर्किल। पहले तो ये चेक करो क्या पार्टिकल सर्किल को लीव करेगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, फाइंड द एंगल या एट व्हाट हाइट इट लीव द सर्किल। ठीक है, तो मैंने बताया था आपके पास, अगर ये चेक करने के लिए पार्टिकल जो वेलोसिटी को लीव करता है तो ये √2gl से ज्यादा होनी चाहिए और 5gl से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास √2gl चेक करते हैं, तो √2gl को चेक करोगे तो 2g की वैल्यू 10, l कितना 1.5, तो 15/10, ठीक है। तो ये आ गई 30, ये वैल्यू कितनी आई, √30, ठीक है। और v ये कितनी आई आपके पास, 5gl, 5g की वैल्यू 10 और ये 15/10, अरे एल कितना है, 1.5, इसको क्या लिख सकते हो, 15/10, तो 10 से 10 मर गया, तो ये वैल्यू आई 75, कितनी वैल्यू आई ये 75 वैल्यू आ गई। तो देखो इन दोनों के बीच में ये ना ये 60 डिग्री, तो पार्टिकल यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं पे भी कितनी आपके क्या करेगा, पार्टिकल लीव द सर्किल, तो आंसर क्या आएगा, यस। इसका आंसर क्या आएगा, यस, पार्टिकल पूरा लूप नहीं बनाएगा, पार्टिकल जो है आपका कंप्लीट लूप है नहीं बनाएगा, वो सर्किल को लीव कर जाएगा आपके पास, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो अब निकालते हैं कि आपके पास कि कितनी हाइट पर वो क्या करेगा, लीव करेगा। मान लीजिए कोई हाइट एच है, ये किसी हाइट एच पे क्या कर रहा है, पार्टिकल सर्किल को लीव करता है, किसी हाइट एच पे क्या करेगा, वो लीव करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए, इसका एंगल थीटा निकालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट की मुझे पहले वेलोसिटी चाहिए, मुझे इस पॉइंट की क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो कैसे निकालोगे, एनर्जी एट ए बराबर एनर्जी एट एक्स, तो यू ए प्लस के ए यू एक्स प्लस के एक्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास, यहां से यू ए की वैल्यू 0, के ए की 1/2m, वी ए का स्केयर, ठीक है। यू एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, एम जी एच प्लस 1/2m वी एक्स का स्केयर, ठीक है। ये लगा देंगे यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है। इसमें देखो आप लोगों को मैंने पिछले पॉइंट में क्या समझाया था कि यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाए, क्योंकि पार्टिकल सर्किल को क्या कर रहा है, आपका लीव कर रहा है, ठीक है। आप पिछले कंसेप्ट से कर लो कि यहाँ पे पहले वेलोसिटी निकालो, पी पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी निकल जाएगी। या फिर देखो इस बार मैं उल्टा भी करवा देती, दोनों तरीके से। पिछला तरीका समझ आ गया, तो पिछला जो क्वेश्चन का तरीका था, पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ क्या करा था, टी माइनस एम जी। देखो मैं अगर दोनों तरीके से बताऊं आपको, तो यहाँ पे क्या हो गया था, ये बन गया था टी माइनस टी प्लस एम जी कोस थीटा बराबर एम वी एक्स का स्केयर बाई एल। तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ से, जी एल कोस थीटा, बोलो आ गई थी ना या नहीं आ गई थी। तो यहाँ मैं वी एक्स की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है। तो आपके पास कोस थीटा निकल गया था, क्या निकल गया था, कोस थीटा निकला था या नहीं निकला था। अब मैं उल्टा भी करके दिखा देती हूँ। कभी ये सोचो कि मैडम आपने तो हमेशा कहा था कि एनर्जी का कंसेप्ट लगाना था, आपने इस बार ये क्यों लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखो अब मैं जैसे तो जनरल बेसिक से समझाती आई थी कि पहले एनर्जी निकाल लो और फिर उसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो
अब पिछले क्वेश्चन में मैंने Vx को यहाँ पुट करके cos थीटा निकाला था, अगली बार मैं उल्टा कर देती हूँ, ठीक है? एक दूसरा तरीका भी आ जाएगा आपको। तो ये बन जाएगा 1/2 m, Va की वैल्यू कितनी है 60, बराबर m g h, h कितना बनेगा देखो, ये वैल्यू l और ये वाली l cos थीटा, तो h की वैल्यू l प्लस l cos थीटा प्लस 1/2 m Vx का स्केल। अभी और मैं मान लेती हूँ मुझे Vx नहीं पता, तुम्हें मैं सिखाना चाह रही हूँ बस, ठीक है? m से m थ्रू आउट कैंसिल, तो ये बना 30, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, 60 इज इक्वल टू 2gl, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2gl प्लस 2gl cos थीटा, ठीक है, प्लस Vx का स्केयर। तो ये बना 60 इज इक्वल टू, ये बना आपके पास 2g, g की वैल्यू कितनी होती है 10, g की वैल्यू 10, l की वैल्यू कितनी है 15/10, प्लस 2g 10 15/10 इंटू cos थीटा प्लस Vx का स्केयर, तो ये बना 30, 60 इज इक्वल टू 30 प्लस 30 cos थीटा प्लस Vx का स्केयर, तो ये बना 30 इज इक्वल टू 30 cos थीटा प्लस Vx का स्केयर, ठीक है? तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बना Vx की वैल्यू 30 माइनस 30 cos थीटा इज इक्वल टू Vx का स्केयर, ठीक है? अब आप चाहो तो इस Vx को पुट कर सकते हो, ठीक है? इस Vx को पुट करो, एक ये तरीका सीखना चाहते हो। दूसरा तरीका, यहां से ये तो पता ही है टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो। आपके पास क्या बना था फॉर्मूला, टी प्लस एम जी कोस थीटा व्हेन पार्टिकल लीव द सर्किल, व्हेन पार्टिकल लीव द सर्किल, लीव द सर्किल, तो आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास टेंशन क्या हो जाएगी जीरो, टेंशन क्या हो जाएगी जीरो। तो ये बना एम जी कोस थीटा, टी प्लस एम जी कोस थीटा बराबर एम वी एक्स का स्केयर बाई एल, तो टेंशन तो जीरो हो गई। तो ये एम जी कोस थीटा बराबर एम वी एक्स का स्केयर, वी एक्स की वैल्यू अब यहां रख दो, एक ही बात है ना, अरे एक ही तो बात हुई, तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना अब आपको कि मैडम आपने तो पहले ये तरीका बताया था, तो वही तरीके से भी निकाल दिया, या सीधा यहां से वी एक्स निकाल के इस वी एक्स को यहां रख दो, आंसर सेम आएगा, ठीक है? तो कोस एम जी कोस थीटा, मैंने आपकी बार क्या करा कि एम जी कोस थीटा, आपकी बार ये वी एक्स यहां से निकाल दिया और वी एक्स को इसमें रख दिया, ठीक है? पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, पहले ये वी एक्स निकाल लिया था, यहां रख दिया था पिछले क्वेश्चन में, इस वाले में ऐसे कर दिया, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है? तो ये बन गया एम वी एक्स की वैल्यू कितनी बनी 30 माइनस 30 कोस थीटा बराबर एल, सोल्व तो हो जाएगा यहां से, कर लोगे ना? तो ये एक तरीका बन गया आपका, ये भी मैं दोनों तरीके से करके बता सकती हूँ, आंसर सेम आएगा आपका, ये नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अरे भाई कोई डाउट तो नहीं ना किसी को इस बात में कि क्या खिचड़ी बन गई, खिचड़ी में खिचड़ी नहीं बनानी, वी एक्स यहां से निकाल के यहां रख दो तब भी कोस थीटा इजिली आ जाता है बल्कि वहां से, ठीक है? फिर किसी को ये लगता है कि आपने तो पहले ये बताते वेलोसिटी निकालो उस पॉइंट की, फिर टेंशन की बात करें, तो पहले वेलोसिटी निकाल लो फिर टेंशन की बात कर लो, कोई फर्क नहीं, आंसर सेम आएगा, क्लियर? क्योंकि मुझे ये पता है जब पार्टिकल लीव करेगा तो टेंशन क्या हो जाएगी जीरो, ये हटा दो ना एक बार। तो ये बना आपके पास, यहां से सॉल्व कर लो बस, और कुछ नहीं बचा। देखो आपके पास ये तरीका लिख दिया मैंने, ठीक है? आप इस तरीके से भी कर सकते हो, मैं इस तरीके से कर लेती हूँ, मेरे पास वेलोसिटी वी एक्स ये है, तो 30 माइनस 30 कोस थीटा, वी एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास जी एल कोस थीटा, ठीक है? तो जी एल कोस थीटा सोल्व कर लो, 30 माइनस 30 कोस थीटा, जी एल की वैल्यू 10, 15/10 कोस थीटा, ठीक है? 10 से 10 मर गया, 30 माइनस 30 कोस थीटा, तो ये उधर जाएगा, तो 30 कोस थीटा प्लस 15 कोस थीटा, तो ये बना 30 बराबर 45 कोस थीटा, ठीक है? तो कोस थीटा कितना आ गया 30/45, कोस थीटा की वैल्यू आ गई 30/45, इसको सोल्व कर लो, 5 से कैंसिल हो जाएगा 6/9, अरे 15 से कट जाएगा ना, 15 दूनी 30, 15 3 2/3, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ठीक है? समझ आया? आप चाहो तो यहां से वी एक्स निकाल के यहां पुट कर दो, फिर मैंने देखो सेकंड मेथड लिखा यहां और करके, टेंशन जीरो, तो यहाँ पे एम जी कोस थीटा, ये वी एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, तब भी आंसर वही आएगा,
ठीक है आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने क्या करा अभी, मैंने इसी को उठा लिया और मैंने जो पहले वाला मेथड लगाया था क्योंकि मुझे पता था कि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, तो वी एक्स को यहाँ रख दिया। वी एक्स की वैल्यू जी एल कोस थीटा, जी पता था ये सोल हो गए, कोस थीटा कितना के 2/3। उसने पूछा क्या है आपसे, हाइट, किस हाइट पे वो लीव करेगा, नोट करिए इस पे जल्दी से एक बार इसको, कि किस हाइट पे पार्टिकल सर्किल को लीव कर जाएगा, जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया नोट, हो गया। अब देखो, अब यहां से आपके पास हाइट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हाइट। तो हाइट के लिए क्या बना था, हाइट कितनी है आपके पास, ये एल और एल कोस थीटा, एल प्लस एल कोस थीटा, तो एच एल की वैल्यू एल प्लस एल कोस थीटा, एल कितना 1.5 प्लस 1.5, कोस थीटा की वैल्यू 2/3, ठीक है। तो ये बना एच इज इक्वल टू, या सीधा ही कर लो ना, एल कोमा ले लो पहले, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू 2/3, ठीक है। तो ये बना 3 प्लस 2 5/3। अब एच एल की वैल्यू 15/10 और 5/3, 5 × 10, 3 × 5 = 15, 5/2, तो एच इज इक्वल टू 2.5। इतनी डिस्टेंस पे क्या करेगा, पार्टिकल सर्किल को लीव कर जाएगा, इतनी डिस्टेंस पे पार्टिकल लीव द सर्किल, पार्टिकल जो है वो सर्किल को क्या कर जाएगा, आपका लीव कर जाएगा। समझ आया बेटा आपको, बोलो क्लियर हो गया सभी को, जल्दी नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार इसके बाद, जल्दी नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपका, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का आपका, ये कह रहा है 2 point mass, आपकी बार थोड़ा सा चेंज कर दिया, 2 point mass m आर कनेक्टेड द लाइट रोड, लाइट रोड, आपकी बार रोड का क्वेश्चन आ गया भाई आपका, ये वाला रोड का। अब देखो वो कह रहे हैं दो मास, इसके साथ एक मास तो ये एक और लटका दिया, जैसे मैंने एक और मास यही लटका दिया, ठीक है। रोड ऑफ लेंथ 12 एंड, इसकी लेंथ कितनी 12, तो ये भी एल और ये भी एल, और इस रोड की पूरी लेंथ कितनी है 12, ठीक है। इस फ्री टू रोटेट इन वर्टिकल सर्किल एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट शुड बी गिवन टू बॉटम मास सो दैट इट्स कंप्लीट, इट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन इन द वर्टिकल प्लेन, इट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन इन द वर्टिकल प्लेन। तो देखो यहां से कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए कि ये सर्कुलर मोशन क्या करे, आपके कंप्लीट हो जाए। तो मान लिया वो यहां तक जाएगा ना, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा तो वो यहां तक जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये भी लेंथ कितनी आपकी 12, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी। इसमें छोटी सी कंसेप्ट चेंज कर दिया कि दो मास लगा दी। अब एक बात समझो, मान लो ये रोड है, इसके एक मास और लगा रहता, मैं जितनी वेलोसिटी इसको मूव करूंगी तो ये भी तो मूव करेगा, दूसरा मास भी तो उतनी आगे वेलोसिटी से मूव करेगा ना, एक मास यहाँ है एक मास यहाँ है, जब मैं इसको मूव करूंगी ये भी मूव करेगा आगे। तो देखो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कंसेप्ट था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो एक बार आप लोग, फिर मैं आगे क्वेश्चन बढ़ा देती हूँ, एक बार नोट कर लो। जब वो यहां से यहां पहुंचेगा तो मैं फिगर बना देती हूँ, एक और भी फिगर आप नोट कर लो, ठीक है, कि जब वो यहां से यहां पहुंच गया तो ऐसे हो गया ना, ये ऐसे ऐसे, अब वो यहां से ऐसे, देखो यहां से देखो ऐसे ऐसे, देखो देखो यहां से मूव करके और वो यहां ऐसे पहुंच गया ऊपर, मेरा थोड़ा बड़ा बना ना, थोड़ा रोड बड़ी है बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये मास है, ये मास है, ये लेंथ कितनी है 12 और ये भी L। तो हमें क्या करना है, वो A से मूव करता हुआ कहां पहुंच गया, C पे। तो वेलोसिटी निकालनी है A पॉइंट की, क्या निकालनी है, A पॉइंट की वेलोसिटी। नोट करिए एक बार जल्दी से, जल्दी से नोट करिए, यहां से किसी U वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो उस U वेलोसिटी की वैल्यू बतानी कितनी है। नोट हो गया, पॉज कर लिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं, ये दोनों फिगर भी नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूं क्वेश्चन को, हो गया पॉज करके नोट कर लिया। देखिए अभी, अब आपके पास मैं ये सब हटा, ठीक है, ये फिगर दिख रही है सभी को, इसको मैं ऊपर बना दूं दोबारा, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है। तो देखिए जब वो यहां से यहां मूव करेगा तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी, एनर्जी एट ए बराबर होगी एनर्जी एट सी, तो यू ए प्लस के ए बराबर
इस फिगर को ऊपर बना दो ना, फिर सीरियल में लिखा जाएगा। मैं फिगर दोबारा बना देती हूँ, ठीक है। ये आपके पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये एम मास, एम मास, ये एल, ये एल, ये भी कितनी है, टू है। यहां से किसी यू वेलोसिटी से फटा दे, यू वेलोसिटी क्या करनी है फाइंड आउट। यहाँ पे बस एक पॉइंट याद रखना, v क्या होता है r ओमेगा। देखो v, ये v वेलोसिटी है ना, v लिख लो, v क्या होता है l ओमेगा। तो यहाँ पे l कितना होगा, 2l, तो कितना बन जाएगा 2l ओमेगा। पर ये देखो जब ये मूव कर रहा है तो ये भी किसी वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है ना, तो इसके लिए क्या लगेगी, v इज इक्वल टू l ओमेगा। तो मान लिया ये v इज इक्वल टू कितना u है, तो ये कितना u है, तो ये वाला कितना हो जाएगा u / 2। बस इतना पॉइंट ध्यान है, ये कितना हो जाएगा u / 2। तो जनरली इसमें गलती कर जाते हैं बच्चे, तो वही लिखेंगे कि एनर्जी एट ए बराबर होगी एनर्जी एट सी। तो ए पे एनर्जी क्या बनेगी, ए पे एनर्जी देखो ये लिखेंगे यू ए प्लस के ए बराबर यू सी प्लस की सी। छोटा सा पॉइंट जो गलती करते हैं बच्चे, तो यू ए काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए तो जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसके लिए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है ना, इसके लिए तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ना रेफरेंस से। तो इसके लिए क्या लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल, इसके लिए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, लेकिन इसके लिए तो जीरो नहीं है ना, तो क्या लिखोगे एम जी एल, क्या लिखोगे एम जी एल प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2m। इसके लिए एनर्जी लिखोगे तो 1/2m v का स्क्वायर, 1/2m क्या माना हुआ u, u का स्क्वायर। और इसके लिए लिखोगे इस वाली बॉल के लिए एनर्जी 1/2m, क्या लिखोगे u / 2 का स्क्वायर। क्योंकि अभी बार यहाँ वाले देखो समझ आया ना, इसके लिए तो v इक्वल टू r ओमेगा समझ आता है, ये v वेलोसिटी से जाएगा तो ये हाफ वेलोसिटी से आगे मूव करेगी, क्योंकि v इक्वल टू l ओमेगा, ये रोटेट कर रहा है ना, तो इसके लिए लेंथ कितनी है 2l ओमेगा, इसके लिए लेंथ कितनी है l, तो ये l ओमेगा, ये 2l ओमेगा। तो ये आपके पास अगर v है तो ये इससे आधा है ना, ये 2l ओमेगा, ये l ओमेगा, तो ये u है तो ये u / 2 हो जाएगा ना बराबर। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, तो ये 2l है, ये पूरी वैल्यू कितनी है 2l, ये भी कितनी आपकी 2l, ठीक है। तो देखो पहले इसमें एक छोटी सी पॉइंट, छोटा सा पॉइंट ध्यान दो कि आपके पास इस मास के लिए, इस मास के लिए हाइट कितनी होगी। तो यहां तक तो 2l है और ये l, तो कितनी बनी है पूरी 3l। इस मास के लिए हाइट कितनी हो जाएगी 3l, और इस वाले के लिए यहां से यहां तक की, इधर लिख देखो यहां से यहां तक, इस वाले के लिए कितनी हो जाएगी ये कितनी 4l, क्योंकि इसके लिए तो पूरी बन गई ना, यस इसके लिए तो ये 4l हो जाएगी। इसके लिए क्या लिखोगे, मास m1 के लिए mg, mg 3l प्लस mg 4l, समझ आया ना। इस मास के लिए लेंथ कितनी लोगे 3l, इस वाले के लिए, क्योंकि इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे, तो ये इसके ऊपर जाएगा ना, इसके लिए कितनी बनेगी आपके पास ये 4gl, कितनी बन जाएगी 4g। और सी पॉइंट पे जब रोड का केस था तो मैंने कहा था रोड के केस में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, रोड के केस में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, ठीक है। तो क्या बन जाएगी वेलोसिटी जीरो, सोल्व कर लो बस इसको। तो ये बना एम जी एल प्लस 1/2 एम यू का स्केयर, एम यू का स्केयर, तो ये बना यू स्केयर बाई 4, ये बनेगा यहां से 1/2 एम यू स्केयर बाई 4। और ये देखो 3 एम जी एल 4 एम जी एल, तो 7 एम जी एल, ठीक है। तो ये mgl उधर जाएगा 6 mgl, तो ये बना आपके पास 1/2, ये 8, तो ये बना 1/8, 4 into 2 8 बन गया ना, तो 8 लिख दूं मैं यहाँ पे 1/8, तो आपके पास ये बन जाएगा यहाँ से 8 lcm ले लो, तो ये बना 4 mu square plus mu square, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 7 mgl minus mgl, तो ये बना 4 और 8 5, 5 mu का स्केयर डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। और ये आया 6 mgl, 6 mgl, m से m मर गया, तो 5 u स्केयर बराबर 8 into 6 gl, तो 5 u स्केयर 48 gl, ठीक है। तो u स्केयर कितना बन गया 48 बाई 5 gl, तो u कितना बन गया 48 बाई 5 जीएल का अंडर रूट, समझ आया बच्चे। तो यही पूछा था
कि यहाँ से कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए इन दोनों मासेस को, क्या बनाए वो सर्कुलर लूप बनाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, इसलिए एक मास है ऐसा दूसरा मास और अटैच कर दो। ठीक है, तो देखो ऐसा दूसरा मास अटैच कर दिया तो ये सेंटर है, तो सेंटर से ये लेंथ एल और ये लेंथ भी एल, तो पूरी यहाँ सेंटर से कितनी हो गई ये 2L, कितनी हो गई ये 2L। तो इसमें जो मिस्टेक्स होती है निकालने के लिए एनर्जी का फॉर्मूला लगा दोगे, मिस्टेक्स जो होती है दोनों की एनर्जी देखनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। तो देखो पहले केस में इस ए इस मास के लिए नीचे वाले के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन इसके लिए क्या बनेगी एम जी एल। ठीक है, इस वाले के लिए काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम यू स्क्वायर, ये यू वेलोसिटी जा रहा है तो ये यू बाई टू से जाएगा 1/2। फिर ये देखो इसके लिए हाइट क्या बनेगी, ये तो 2L और ये L 3L बन गई और ये पूरी 4GL। तो इसको सोल्व कर लिया तो यू कितना है 48/5GL। ऑप्शन देख लेना, शायद ऑप्शन सी था आपका, दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और इम्पोर्टेंट अच्छे क्वेश्चन सर्कुलर मोशन के डिस्कस करें। पढ़ते रहिए, नोट्स को रिविजन करते रहिए। ठीक है बेटा, अपने नोट्स बुक्स के आप रेफरेंस जरूर लिया करो वीडियो लेक्चर देख के, सिर्फ वीडियो लेक्चर जब हम देखते हमें लगता हो गया, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो सब चीज़ें भूल जाओगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।